गाइस, प्रिया सिनेचर में आपका स्वागत है। मैं हूँ पिया। आज मैं बात करूंगी कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं लेकिन आपका उतना बजट नहीं है, तो कैसे इम्प्रेस करें, कैसे चीजों को करें, वही सब चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बॉयज के लिए भी होगा, गर्ल्स के लिए भी होगा, आप किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करें अपने वैलेंटाइन के सामने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज, अभी बढ़ते हैं वैलेंटाइन के बारे में। वैलेंटाइन होता क्या है? वैलेंटाइन एज लाइक कि आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके मम्मी का रिश्ता, पापा का रिश्ता, बहन का, भाई का, लवर का, हस्बैंड का, वाइफ का, किसी का भी, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको स्पेशल फील कराना चाहते हैं या उसको कुछ अलग तरीके की खुशी देना चाहते हैं, वो हम इस डे पे करते हैं। वैसे तो आप हमें हर डे में करना चाहिए, बट ये थोड़ा फॉरेन कल्चर है, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी डेवलप होता जा रहा है। बट इट्स अ गुड कि आप किसी को स्पेशल फील करा रहे हो या अपनी बातों को रख रहे हो, आप किसी के लिए फीलिंग रखते हो, तो उन्हीं सब के लिए वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब बात करेंगे कि आप कम बजट में कैसे गिफ्ट दे सकते हो, कैसे आप अपना मेकअप कर सकते हो, कैसे रेडी हो सकते हो, और क्या क्या चीजें आज के टाइम में लोगों को पसंद आती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्यूटी हैक्स की। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है और आप उसको वैलेंटाइन डे के दिन मिलना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप सिंपल सा प्यारा सा लाइट शेड लिप्स लगाएं। अगर मिलने जा रहे हैं तो ज्यादा रेड, पिंक ये वाले शेड्स अपने लिप्स पे ना लगाएं, लाइट न्यूड शेड्स लगाएं, नंबर वन। नंबर दो, आप फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत ज्यादा फाउंडेशन ना लगाएं जो आपका फेस क्रैक की, पैची, या फिर आपको ज्यादा ओवर मेकअप ना करना पड़े, लाइट सा बीबी या सीसी क्रीम लगा के जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा लुक देता है, नेचुरल लुक आता है। और आप हल्का सा हाइलाइटर लगा लें, बस इतना सा ही मेकअप करें तो आप, लड़कों को वैसे भी ज्यादा मेकअप पसंद नहीं होता है, उनको लाइट डिसेंट सी लड़कियां पसंद होती है, तो आप भी ऐसे ही बन के जा सकते हैं। तो ये गर्ल्स के लिए है क्या, और थोड़ा सा माइल्ड परफ्यूम लगा लें कि आप जा रहे हो तो थोड़ी धीमी धीमी खुशबू आती रहे, तो थोड़ा सा रोमांटिक मौसम बने या फिर आपका टाइम स्पेंड हो अच्छे तरीके से, और आपको भी अच्छा लगे और आपके पार्टनर को भी अच्छा लगे। ये तो रही गर्ल्स की बातें, अब हम बात करेंगे, और मेकअप की बातें, अब हम बात करेंगे गिफ्ट के बारे में। या तो गर्ल्स को देना है या बॉयज को देना है, और आपका बजट बहुत ज्यादा कम है तो आप क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, इन सब को ही गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं, या तो सनग्लासेस दे सकते हैं, नंबर दो हेडफोन दे सकते हैं, या फिर वॉचेस दे सकते हैं किसी भी ब्रांड की, हर ब्रांड में अलग अलग प्राइस की वॉचेस आती हैं, तो या फिर कैप दे सकते हैं, या फिर कोई टी शर्ट दे सकते हैं, सिंपल सिंपल, बॉयज को भी ऐसी चीजें पसंद आती हैं, तो आप ऐसा कुछ गिफ्ट कर सकते हैं किसी बॉयज को, हस्बैंड को, या अपने डैड को, अपने ब्रदर को वैलेंटाइन डे पे ऐसे गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको, ये बॉयज के लिए है, अगर आपको लड़कियों को गिफ्ट करना है तो आप क्या करें, लड़कियों को वैसे तो ऐसे कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अगर आप स्पेशल फील कराओ उसमें ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उन्हें, आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है, आपको ज़्यादा बड़ा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप चॉकलेट खरीदिए, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की उनका बंच बनाइए, वो दे दीजिए, वो बहुत अच्छा गिफ्ट है, कम बजट में अच्छा गिफ्ट है। आप प्लो दे सकते हैं, कोई टेडी बियर दे सकते हैं, आपका कम बजट है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी दे सकते हैं, या फिर आपका थोड़ा ज्यादा बजट है, आप ज्यादा स्पेंड करना चाहते हो अपने पार्टनर पे, तो डायमंड की कोई रिंग या कुछ दे सकते हैं डायमंड से रिलेटेड, ये आप गिफ्ट दे सकते हैं एक दूसरे को। अब हम बात करेंगे, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आपका वो वाला टाइम चला गया है कि आपको ये टेडी बियर देना है, गिफ्ट चॉकलेट्स देनी है, तो आप थोड़ा सा ना डिसेंट से गिफ्ट्स देते हैं, अच्छा सा फील कराते हैं। तो अगर हस्बैंड वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हैं वाइफ के साथ में, तो वो अपनी बीवी को एक दिन के काम की छुट्टी दे सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा सकते हैं उस दिन,
थर्ड थिंग कि आप अपना जो डिनर है वो टेबल डेकोर कर सकते हैं, कैंडल नाइट डिनर कर सकते हैं, या फिर अपना रूम डेकोर कर सकते हैं। ये सब चीजें हस्बैंड वाइफ दोनों कर सकते हैं। वाइफ हस्बैंड के साथ कर सकती है, उनको ऑफिस ना जाने दे, पूरा दिन उसका उनका ध्यान रखे, थोड़ा सा उनका टाइम उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनकी चीजों को जो वो खाना पसंद करते हैं इन सब चीजों को दे सके। तो आप लोग जो हस्बैंड वाइफ है उनका कुछ वैलेंटाइन डे ऐसे सेलिब्रेट हो सकता है। आपका बहुत कम बजट है और कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल अपने बेडरूम में बेड पे वाइट बेडशीट बिछा सकते हैं, उसे फ्लावर से सजा सकते हैं, और बेड के ऊपर या साइड टेबल पे आप कैंडल रख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना रोमांटिक वेदर हो जाता है, मौसम हो जाता है, आप उसमें थोड़ा सा रोमांस भी कर सकते हैं। आपका कोई बजट नहीं है उस सिचुएशन के लिए। अब हम बात करेंगे जब वैलेंटाइन डे होता है तो आपका ना बहुत सारे पार्टीज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको अटेंड करते हैं। तो आप जब भी कभी भी पार्टी या फंक्शंस में जाएं तो बहुत ही डिसेंट सी, स्लीक सी, लाइट सी ड्रेसेस पहन के जाएं। लड़कियां जा रही हैं तो बॉयज़ तो ऑब्वियसली टी शर्ट्स वगैरह पहन के जाते, तो उतना नहीं है। गर्ल्स लाइट सी हेल्दी मतलब बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप, डार्क ड्रेसेस ऐसे कुछ यूज़ ना करें, वो लाइट करके जाएं। और सेकेंड थिंग, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो कभी भी पार्टी में किसी पे बिलीव ना करें। अगर आपने फर्स्ट टाइम पे ड्रिंक ले ली है तो वो कहीं पे भी ऐसे छोड़े ना, टेबल पे या फिर किसी के पास में, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं है। कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि डाल सकता है और आपको फ़ायदा उठा सकता है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। ये थे वैलेंटाइन डे हैक। अब हम बात करेंगे कि आप वैलेंटाइन मनाने जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है ब्यूटी पार्लर जाने का, कुछ भी जाए कहीं पे भी जाने का, एक दिन पहले आप ये वाली रेमेडी ट्राई करेंगे तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, नेचुरली शाइन करेगा। रेमेडी क्या करनी है, आपको सिर्फ जिस आटे से आप चपातियाँ बनाते हैं वो वाला आटा ले लेना है, या फिर उसकी भूसी मतलब जो छानते हैं चलनी में जो निकलता है वो ले लो, दूध या दही अगर आप इनमें से कोई भी आपके पास पड़ा है मिक्स कर लीजिए और हल्का हल्का अपने चिक पे लगा लीजिए, पूरे फेस पे लगा लीजिए, हैंड पे लगा लीजिए, और उसे 15 या 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, और फिर हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लीजिएगा। आपके फेस की डर्ट और क्या बोलते हैं डेड स्किन और जितना भी गंद आपके फेस पे है, या फिर आपको वाइट करना है अपना फेस कम टाइम में पार्लर जाए बिना घर पे ही, तो आप ये वाली रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। ये रेमेडी ट्राई करने से आपके फेस पे एक अलग निखार आ जाएगा और आपकी स्किन वाइटनिंग हो जाएगी। एक दिन पहले करोगे तो और आप अपना वैलेंटाइन डे अच्छे से मना सकते हो। तो गाइज ये थे मेरे हैक्स, अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ आपको पसंद नहीं आती है मेरी वीडियो तो डिसलाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर डिसलाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझको पता चलेगा कि कितने लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपनी वीडियो का कॉन्टेंट और अपनी वीडियो और अच्छा और अच्छी तरीके से बनाऊंगी। सो गाइज अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।